नाजिन पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ का ऐलान किया जा चुका है जनरल कमर बाजवा मजमुई तौर पर सोलवें और वजी अजम नवाज शरीफ के साथ काम करने वाले आठवें आर्मी चीफ होंगे इससे पहले वजीम नवाज शरीफ बतौर वजी अजम सात आर्मी चीफ के साथ काम कर चुके हैं जनरल असलम बेग जनरल आसिफ नवाजुआ जनरल वहीद काकड़ जनरल जहांगीर करामत जनरल परवेज मुशरफ जनरल अशफाक परवेज क्या और जनरल राहील शरीफ दिलचस्प बात यह है कि 1988 से लेकर अब तक जितने भी आर्मी चीफ्स आए सब के साथ नवाज शरीफ साहब ने बतौर वजे अजम काम किया और यह भी एक तल हकीकत है कि इनमें से ज़्यादातर आर्मी चीफ्स के साथ नवाज़ शरीफ के तल्लुक कशीदा रहे और जिनके साथ कशीदा न रहे उनके साथ भी ताल्लुक को खुशगवार नहीं कहा जा सकता छः आर्मी चीफ्स के साथ काम किया नवाज शरीफ साहब ने किसी के साथ भी उनके तल्लत अच्छे नहीं रहे ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार नवाज शरीफ सब कसूरवार हों हूँ मैं किसी के साथ अच्छे नहीं रहे और उसकी वजह यह है जिस तरह की उनकी नफसियात है या तो वो मातहत हो सकते हैं या बास हो सकते हैं बराबर की सतह पर सेहतमंदाना तल्ल रखने की तो उनके अंदर मेरे ख्याल है नहीं पाई जाती जमूरीत का तसब्बर उनको कोई नहीं है बादशाहत का ही तसबर है अदालत उनकी मर्जी की होनी चाहिए फौज उनकी मर्जी की होनी चाहिए सिविल सर्विस उनकी पसंद की होनी चाहिए जहाँ चाहें किसी को तकर करें पुलिस थानेदार तो खैर होना ही उनका चाहिए पटवारी तो ऑफिस उनका होना चाहिए उनका हुकूमत का ये तसब्बर आज के प्रोग्राम में हम एक एक करके तमाम आर्मी चीफ के साथ नवाज शरीफ साहब के तल्ल का जायजा लेंगे पहले आर्मी चीफ थे जनरल असलम बेग जिन के साथ नवाज़ शरीफ साहब ने बतौर वज़र काम किया नवाज़ शरीफ उन्नीस सौ इक्यानवे में पहली बार आई जी आई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन जीत कर अजम बने और इस इतहाद के बारे में कहा जाता है कि इसे फौज, फौज के एक अहम अफसर जनरल हमीदुल ने तख्लीक किया पीपल्स पार्टी ने भी जारहाना मौक़ कि नवाज़ शरीफ फ़ौज की मदद से इकतदार में आए हैं अगर ये दुरुस्त है तो फिर वजे अजम नवाज़ शरीफ के अपने आर्मी चीफ जनरल असलम बेग के साथ ताल्लुकात मिसाली होने चाहिए थे मगर ऐसा ना हुआ असलम बेग जो हैं और ग़ुलाम सहाा खान उनको लाने वाले और उनकी इलेक्शन में मदद करने वाले और बेनज़ीर की हकूमत की छुट्टी कराने वाले जनरल असलम बेग थे और गुलाम सहा खान थे तो जब ये वज़ी अजम बन के आए उनका कद काट जो था प्रोफ़ाइल असलम बेग का जो है वो बड़ा था और वो समझते थे कि मेरा जो है मामलत में अमल दखल होगा लेकिन लेकिन ख़ास तौर पर जब इराक़ पर हमला हुआ अमरीका का जो जिसे हम पहली ग, गल्फ वॉर कहते हैं उसमें जो लाइन नवाज़ शरीफ लेना चाहते थे और जो बातें असलम बेग ने की ख़ास करके एक पब्लिक स्टेटमेंट में कि ये इस किस्म की जंग होगी और रिजिस्टेंस होगी उससे जो है उनके तल्क़ ख़राब हो गए जनरल असलम बेग ने जन हमीद गुल ने दूसरे लोगों ने उनकी मदद की फ़ौज ने खुफिया एजेंसियों ने, ने मुल्क का वज़ी अजम बनाया इसके बाद वो ये चाहते थे वो जनमजयाल्हक बन जाएं ये तो नहीं हो सकता था फौज से इकतदार लिया जा सकता है लेकिन तब लिया जा सकता है जब सिविल हुकूमत की अखलाकी साख बेहतर होती जाए नंबर वन नंबर दो सिविल अदारे मज़बूत होते जाएं इसकी तो कोई कोशिश उन्होंने नहीं की ब्यूरोसी की में जितनी सकत बाकी थी वो भी ख़त्म कर दी पुलिस को और कमज़ोर कर दिया एहतसाब के अदारे तो खैर उन उन्होंने जिस तरह बनाए थे सब जानते सैफुररहमान को उन्होंने आत्म तलवार पकड़ा दी थी जिसे चाय तबाह कर डाले वो कर नहीं सका वो दूसरी बात है अपोजिशन को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे अब भी इनफैक्ट अपोजिशन को वो बर्दाश्त नहीं कर रहे अपोजिशन इमरान खान है बाकी अपोजिशन पार्टियों को उन्होंने या खरीद लिया या आराम कर लिया इकतदार में हिस्सा दे दिया या उनकी परवाह नहीं करते नजरअंदाज करते तो आर्मी चीफ के साथ उनके तल्लु कैसे ठीक रह सकते रह सकते थे उसकी बुनियादें ही वो नहीं समझ सके तल्लु कैसे ठीक रखे जा सकते हैं जनरल असलम बेग के बाद जनरल आसिफ नवाजुआ आर्मी चीफ बने आसिफ नवाज और नवाज़ शरीफ के दरमियान कभी खुशगवार तल्लत कायम ना हो सके यहाँ तक कि जब जनरल आसिफ नवाज़ का हार्ट अटैक से इंतकाल हुआ तो उनकी फैमिली ने इल्ज़ाम लगाया कि जनरल आसिफ नवाज़ को जहर देकर मारा गया है जनरल आसिफ नवाज के भाई शुजा नवाज़ ने अपनी किताब क्रॉस सोर्ड्स में लिखा है कि नवाज शरीफ ने जनरलों से ताल्लुक बेहतर बनाने के लिए उन्हें नवाजने का हरबा भी इख्तियार किया एक बार शहबाज शरीफ आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज के पास आए और उन्हें बी एम डब्ल्यू की चाबियां पेश की और कहा कि अब्बा जी ने यह तोहफ़ा आपको भेजा है आसिफ नवाज ने इनकार कर दिया तो नवाज शरीफ साहब ने एक बार खुद बी एम डब्ल्यू गाड़ी की चाबी जनरल नवाज को दी जो उन्होंने ये कहकर वापस कर दी कि शुक्रिया सर मैं इसी में खुश हूं जो मेरे पास है

नवाज शरीफ साहब ने दोहराया कि आसिफ नवाज़ ज़िद्दी और घुमंडी शख्स हैं जिस पर ब्रिगेडियर इम्तियाज़ ने कहा वजीरजम साहब आप फ़िक्र ना करें हम इसे भी गुलसन बना देंगे ये बात जब जनरल आसिफ नवाज़ को पता चली तो तल्लत में मजीद कशीदगी पैदा हो गई आसिफ नवाज को उन्होंने राम करने की कोशिश की कहानियाँ है यही हैं मेरे पास तस्दीक करने का कोई जरिया नहीं लेकिन तमाम जरा यह कहते हैं कि उनको बी बी एम डब्ल्यू पेश की अगर बे एम बी एम डब्ल्यू की ज़रूरत हो एक आर्मी चीफ को तो वो खुद खरीद सकता है जनरल आसफ नवास बहुत सख्त नाला थे वो समझते थे उनकी निगरानी की जा रही है और बेर खैर की भी जा रही थी खैर उनका इंतकाल हो गया जहाँ तक बी एम डब्ल्यू का ताल्लुक़ है मुझे इसका ज़ाती तौर पर नहीं लेकिन कारोबारी तबका हमेशा यही काम करता है कि अपने काम निकलवाने के लिए कोशिश उनकी यही होती है कि अगर कुछ लेना देना पड़े तो उससे काम निकल जाए लेकिन जो अख्तिलाफ़ की बुनियादी वजह वो ये है कि जनरल आसिफ नमाज सिंध में चूँकि कराची के कोर कमांडर रह चुके थे वो सिंध के हालात को बहुत अच्छी तरह समझते थे और उनके नुक़ँ नज़र के मुताबिक वहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत थी जो उन्होंने सिंध में पैलेट डाकुओं के खिलाफ शुरू किया और फिर वो ऑपरेशन बढ़ता हुआ कराची में आ, सियासी पार्टियों के खिलाफ हो गया जिसमें एम क्यू एम एक इतिहादी पार्टी थी नून लीग के साथ मिलकर उसने हुकूमत बनाई हुई थी और वो जब उसके ऊपर हाथ पड़ा तो उन्होंने वाबला मचाना शुरू कर दिया तो मेरा ख़्याल है कि सिंध की पॉलिसी के ऊपर इख्तलाफ शुरू हुए और वो फिर बढ़ गए और आसफ नवाज़ चूँकि एक आ, मजबूत चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और ज़रा सख्तबा थे तो इसलिए मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके साथ उनकी कुछ बन नहीं सकी जनरल आसफ नवाज़ की मौत के बाद नए आर्मी चीफ़ की तलाश शुरू हुई नवाज शरीफ जनरल मोहम्मद अशरफ जंजुआ को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे जबकि सदर इस खान जनरल फ़ारूक़ की तरफ मायल थे इस मामले पर वज़र अजम और सदर के दरमियान डेड लॉक पैदा हो गया वजीर अजम ने मुजात के लिए चौधरी निसार को आगे किया यूं चौधरी निसार और सदर इस खान के दरमियान बिल आखिर जनरल अब्दुल वहीद काकड़ के नाम पर इतफाक़ हुआ और उन्हें आर्मी चीफ बना दिया गया जब आसिफ नवाज जंजुआ जो है उनकी वफात हुई तो तब के जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे सी जो थे जनरल फ़रु थे अब सीनियर मोस्ट भी वो थे प्रोफेशनली बहुत कॉम्पिटेंट थे उनको बनना चाहिए था लेकिन ये समझते थे कि इनके तल्क़ जनरल फ़रक के सियासी तलक ऐसे हैं कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा तो इन्होंने उसकी मुखालफत की और उन्होंने कोई और चॉइस जो है देने की कोशिश की लेकिन फिर गुलाम साक खान ने उनकी ये बात तो मान ली कि जनरल आर्मी चीफ ना बने लेकिन उन्होंने फिर अपनी मर्जी का जर्नेल चुना जनरल वहीद काकर जनरल वहीद काकर को पाकिस्तान की तारीख का एक गैर सियासी जनरल समझा जाता है उनके बारे में कहा जाता है कि वो खालिस्तन एक फौजी थे और सियासत में कम से कम मुदाखलत को तरजीह देते थे लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नवाज़ शरीफ और इसहा ख़ान को राज़ी कर लिया कि वो इस्तीफ़ा दें और घर चले जाएँ यहीं से काकड़ फार्मूले की अलाह ने जन्म लिया वो काकड़ फार्मूला इस तरह मर्ज हुआ कि नवाज़ शरीफ ने कहा कि सदर साहब यानी गुलाम खान साहब मुझे तो घर भेजना चाहते हैं मगर खुद जाने की बात नहीं करते इस बात को गुलाम खान ने पकड़ लिया उन्होंने कहा मैं जाने के लिए तैयार हूँ तो उसके नतीजे में वो फार्मूला एमर्ज हुआ जिसे ककड़ फार्मूला कहा जाता है नवाज़ शरीफ की हुकूमत जो है वो इखलाकी जवाब खो चुकी थी और सदर ग़ुलाम साख ख़ान और नवाज शरीफ दोनों के दरमियान एक कश्मकश चल निकली थी जिससे कि जमूत तारी था हुकूमत पे पंजाब में इनकी हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी और रिट नहीं थी इनकी उन हालात में कन्फ्रंटेशन जहाँ फेडरल गवर्नमेंट गंजर् इस्तेमाल कर रही है पंजाब गवर्नमेंट पुलिस को सामने ला रही है एक बहुत बड़े क्लैश का खदशा था तो जनरल काकड़ ने मेरा ख्याल एक समझदारी का सबूत दिया कि दोनों को फारग करवा दिया और वहाँ पर इलेक्शन करवा दिए आपने देखा कि अपने ढाई साल पहले दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ साहब ने तीन आर्मी चीफ के साथ काम किया और तीनों के साथ ही उनके तल्क़ा नाखुशगवा रहे वजे अजम नवाज शरीफ साहब के जनरल जहांगीर करामत के साथ किन चीज़ों पर अख्तलाफा हुए ये मैं आपको बताऊँगा एक मुख्तर ब्रेक के बाद 1997 में नवाज शरीफ साहब दूसरी वजी बने और इस मर्तबा उन्होंने मरतहावाज तो शरीफ साहब को मिला था यहां तक सिंध से भी उन्होंने कौमी असम्बली की पच्चीस और सूबाबली की एक सौ नौ नशस्तें हासिल कर ली और पीपल्स पार्टी को पंजाब से एक भी सीट नहीं मिली थी जबकि दूसरी जानब पीपल्स पार्टी की अपने वजूद में आने से लेकर अब तक की यह बदतरीन शिकस्त थी नवाज शरीफ की इस शानदार जीत भारी अवामी मैंडेट और दो तिहाई अक्सरियत का मतलब यह था कि दूर तक उनका कोई मुकाबल नहीं था ना इतहादियों का झंझट ना अपोजिशन का शोर गुल ना आइन में किसी तरमीम में रुकावट का मसला दरपेश और ना कोई नया कानून बनाने में परेशानी लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ अपनी आइनी मुद्दत पूरी ना कर सके और वजह थी फौज से सिर्फ अख्तलाफा नहीं शदीद अख्लाफा अपने दूसरे दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ साहब ने दो आर्मी चीफ के साथ काम किया जनरल जहांगीर करामत और जनरल परवेज मुशर्रफ़। पहले आर्मी चीफ को नवाज शरीफ साहब ने घर भेज दिया और दूसरे आर्मी चीफ ने नवाज शरीफ को घर भेज दिया पहले देखते हैं कि जनरल जहांगीर करामत के साथ नवाज शरीफ के क्या अख्तलाफा थे जनरल जहांगीर आमत के साथ पहला काउंसिल फॉर डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी के मामले पर हुआ हुआ यूं के उन्नीस सौ सतानवे के इंतबा से चंद हफ्ते कबल अबूरी के सबरा फारूक लगारी फौज के एक दरीना मुतालबे को तस्लीम करते हुए काउंसिल फॉर डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी का क्या अमल में ले आए ये दस रुकी काउंसिल सदर वजे अजम चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी आर्मी नेवी और एयरफोर्स के सर्विस चीफ वजीर खारजा वजीर दिफा वजीर दाखिला और वजीर खजाना पर थी। यूं फौज को हुकूमती मामला में आईनी हैसियत हासिल हो गई वजीर आजम बनने के फौरन बाद नवाज शरीफ ने काउंसिल नेशनल सिक्योरिटी को तहलील कर दिया जनरल जहांगीर साहब से भी वो नाराज हो गए कि उन्होंने कौमी सलामती काउंसिल की बात क्यों की है नैशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात करना कौन से जुर्म है अल्टीमेटली एक दिन में यकीन से कहता हूँ कि वह वक्त आएगा कि या तो कोई ऐसी हुकूमत आ जाएगी जिसकी अखलाकी साख होगी बहुत मजबूत और सिविल अदारे बहुत तमीर कर लेगी नैब ठीक होगा सिविल सर्विस ठीक होगी पुलिस ठीक होगी और महकमे ठीक होंगे इंडिपेंडेंटली बढ़िया हद हाँ तक वो काम करेंगे या फिर बनेगी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इसके सिवा तो कोई चारा नहीं है किसी न किसी तरह बैलेंस होना चाहिए चार मई उन्नीस सौ अठानवे को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जहांगीर रामत ने हुकूमत की कारकर्दगी पर बात करते हुए कहा पाकिस्तान को इस वक्त दिफाई लिहाज से इस कदर खतरा लाइक नहीं है जिस कदर मुआशी इस्तेकाम से लाक है उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान को बैरूनी से ज्यादा अंदरूनी खतरा लाइक है जनरल जहांगीर करामत के इन ख्याल से ये अफवाहें फैल गईं या फैला दी गईं कि फौज इकतदार पर कब्जा करना चाहती है पैमाना लबरेज करने वाला आखिरी कतरा अक्तूबर अठानवे के पहले हफ्ते में गिरा जब पाँच अक्टूबर को नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में खिताब के बाद एक सवाल के जवाब में जनरल जहांगीर करामत ने सियासी हुकूमत की नाजुक रख को छेड़ा और कहा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का क्या जरूर अमल में आना चाहिए इससे फौज को अहम हुकूमती मामला में अपना आइनी करदार अदा करने का मौका मिलेगा इस बयान पर नवाज शरीफ और जनरल जहांगीर करामत के दरमियान इख्तलाफा हाँ शिद्दत इख्तियार कर गए नवाज शरीफ ने जनरल जहांगीर करामत को बुलाकर सरजनिश की जनरल जहांगीर करामत ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी जिसे नवाज शरीफ ने फ़ौर कबूल कर लिया और जनरल जांगीर करामत को उनकी रिटायरमेंट से चार माह कबल घर भेज दिया और कुछ बात नहीं थी नेवल वॉर कॉलेज जो लाहौर में है वहाँ पे एक खिताब किया जनरल जहांगीर करामत ने और उन्होंने ये बात उस खिताब में कही कि एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बन जाए तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि कई मामला जो थे कई समझ बूझ की चीज़ें जो थीं सिविलियन गवर्नमेंट की जितनी काबिलियत होनी चाहिए थी गिबा वो समझते थे कि उस मेयार पे सिविलियन गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर पहुंचते नहीं हैं तो उन्होंने वो वहाँ ख़िताब तो कर दिया लेकिन हुआ ये कि शाम को आई ने उनके रिमार्क्स जो हैं वो क्या कहते हैं एक स्टेटमेंट के शकल में एक प्रेस रिलीज की शक्ल में जारी कर दिए तो बिल्कुल वो उनके रिमार्क्स आते ही वो ऐसे लगा जैसे वो हकूमत हिलने लग पड़ी है तो जनरल जहांगीर करामत थे बड़े शरीफ आदमी बहुत नफीस आदमी थे आ, उनको फिर प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया गलबन मरी में बुलाया था और कहा था कि ये आपने क्या किया ऐसे बात तो नहीं वो शरीफ आदमी तो उन्होंने कहा जी आपको इतना नागवार गुजरा है ये मेरी सोची समझी राय थी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बने तो मामलाते हुमरानी ज़्यादा अच्छे बे, बेहतर तौर पर चलेंगे लेकिन आपको इतना नागवार गुजरा है तो मैं इस्तीफ़ा देता तो उन्होंने रिजाइन करके उनकी टर्म में कुछ अरसा बाकी था वो उन्होंने रिजाइन करके वो घर चले गए जनरल जहांगीर करामत की रुख्सती के बाद तलाश शुरू हुई नए आर्मी चीफ की इस के लिए अब गिर तीन ऑप्शन थे कुली खान लेट जनरल खालिद नवाज और लेज मुशरफ जनरल अली कुली खान, खान सीनियर मोस्त थे और जनरल जहांगीर करामत भी उन्हें आर्मी चीफ बनवाना चाहते थे लेकिन वजी अजम नवाज शरीफ को यह कह कहकर डराया गया कि अली कली खान मार्शा लॉ लगाने के अजायम रखते हैं और उनकी सियासी वबस्तगियाँ हैं मगर असल वजह यह थी कि चौधरी निसार अली ख़ान के भाई जनरल इफ्तार अली खान की जनरल अली कली खान से मुखासमत थी जिन्हें रिटायरमेंट के बाद सेक्रेटरी दिफा लगा दिया गया था दोनों भाइयों चौधरी निसार और जनरल इफ्तार ने मिलकर नवाज़ शरीफ को कायल कर लिया कि इस अहदे के लिए जनरल परवेज़ मुशरफ ही मौजूद तरीन शख्स हैं क्योंकि अगर जनरल कुली को आर्मी चीफ बना दिया गया तो उनके बरदर नस्बती गोहर अयूब और सैफुल्ला फैमिली इतनी मजबूत हो जाएगी कि शायद उनके लिए इकतदार बचाना भी मुश्किल हो जाए जनरल कुली ख़ान के बारे में उनको कुछ ये इतलात थी कि शायद ये आ, बाद में उनकी हमायत हासिल ना कर सके नवाज़ शरीफ जबकि ऐसी बात नहीं मैं समझता हूँ वो एक अच्छा बुरदबार आदमी था और उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना होती लेकिन बहरहाल बाज़ खबरें उनको ऐसी मिली जिसकी थे और अपने भाई निसार के अपनी मुद्दत में चाहते थे। जब नवाज शरीफ साहब ने इस सिलसिले में जनरल करामत से बात की तो उन्होंने इनकार कर दिया जनरल इफ्तार को रिटायरमेंट लेना पड़ी और उनकी जगह जनरल अली कुली खान को सी लगा दिया गया जनरल इफ्तार अपनी मुदत मुलाजमत में तोसी ना मिलने का जिम्मेदार अली कुली खान को समझते थे इसी रंजिश के बिना पर डिफेंस सेक्रेटरी बनने के बाद उन्होंने जनरल कुली के आर्मी चीफ बनने का रास्ता रोका और जनरल मुशरफ को आर्मी चीफ बनवाने में अहम किरदार अदा किया अगर आइडियली देखा जाए तो ये नेक्स्ट आर्मी चीफ जो होना चाहिए वो तो चीफ आफ, आपका चीफ ऑफ आपका आपका जनरल स्टाफ है उसको होना चाहिए था जहंगीर करामत ने क्या किया उन्होंने उन्होंने इनकी जगह इफ्तार अली खान साहब की जगह उन्होंने अली कुल खां को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लगाया यहाँ से इनके दरिया डिफरेंसेस आना शुरू हुए इनके जहन में ये था कि अली कली खां साहब जो है ही वॉज मोर क्लोज़ टू जहंगीर क़रामत और जहांगीर करामत जो है शायद प्रमोट कर रहे थे कि जो नेक्स्ट आर्मी चीफ़ होगा अली कुल होगा ये वो वजह बनी थी इनकी चौधरी ये निसार अली खां साहब इफ्तार अली खां साहब की आपस में एक तरह की दुश्मनी की और फिर इन्होंने उनका अगेन अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल अली कुल मैंने उनके इंटरव्यूज़ भी किए हुए हैं वो ये समझते थे शायद इसी चीज़ का बदला लेने के लिए नाराज़गी के लिए इन्होंने जहांगीर करामत के बाद अली कुल्ली को इन्होंने आर्मी चीफ़ नहीं बनने दिया था क्योंकि अली खान सेक्रेटरी डिफेंस थे उन्होंने नाम भेजने थे और प्लस चौधरी निसार अली खान साहब बड़े करीब थे नवाज शरीफ साहब के उन्होंने जनरल ये मुशरफ़ को प्रमोट किया उनकी मुलाकातें कराई और मुझे बाद में नवाज़ शरीफ साहब ने ये बात की थी जद्दा में मैंने जब उनका इंटरव्यू किया उन्होंने कहा जनाब के कि मैंने उनसे पूछा ना मैं कि मियाँ साहब ये ये जनरल मुशरफ़ आर्मी चीफ़ आपने किसके कहने पर बनाया तो चौधरी निसार अली खान साहब मेरे साथ बैठे हुए थे ये मैं जद्दा की बात बता रहा हूँ सरूर पैलेस की तो मियाँ साहब ने मुझे जवाब देने के बजाय उन्होंने चौधरी निसार अली खान साहब को देखा और पंजाबी में कहा कि मैं कि के चौसा उनमें रऊफ नस दिया कि मेरे को लेकर आए सी देखिए जब जनरल जहांगीर करामत गए तो तब वो एक थे वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अली कुल खान उनको बनना चाहिए था चीफ सीनियर मोस्ट थे प्रोफेशनली बहुत कॉम्पिटेंट थे लेकिन ये समझते थे नवाज शरीफ के अली कुल ख़ान तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है हमारे बारे में नहीं है एक कि वो जनरल जहांगीर करामत के जो हैं करीब हैं एक उनकी सियासी हैं ये जनरल हबीबुल्ल एक होते थे उनके ये बेटे थे और फील्ड मार्शल अयूब खान के ये सन इन लॉ थे तो उन्होंने कहा इनको तो नहीं होना चाहिए फिर इसके बाद जो कुछ हुआ वो तारीख़ का कड़वा सच है नवाज़ शरीफ के जिस कदर कशीदा ताल्लुक परवेज़ मुशर्रफ़ के साथ रहे किसी और आर्मी चीफ़ के साथ नहीं रहे आर्मी चीफ़ वो बन गए लेकिन आते ही उन्होंने जो प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट्स हैं स्टाफ अपॉइंटमेंट्स जो हैं और जो कलीदी जो पोजीशंस आर्मी में है चीफ़ ऑफ द जनरल स्टाफ टेन कोर कमांडर वो उन्होंने एकदम आते ही तब्दील कर दी और क्योंकि उनका ताल्लुक आर्टिलरी से था तो बहुत सारे जो लोग प्रमोट हुए मसलन टेन कोर कमांडर जनरल महमूद जिन्होंने फिर 99 के वाकयात में बहुत अहम रोल कलीदी रोल अदा किया था वो आर्टिलरी के थे uh, उन्होंने uh, जो चीफ ऑफ द आईएसआई बाद में जो बने जनरल एहसान वो भी आर्टिलरी के थे एयर डिफेंस से थे uh, जनरल मुशर्रफ़ का भी पहले ताल्लुक एयर डिफेंस से था फिर रेगुलर आर्टिलरी में वो गए वजा अजम नवाज शरीफ साहब के जनरल मुशर्रफ के साथ मजीद किन बातों पर इ्तलाफा हुए ये हम आपको बताएंगे एक मुख्तर ब्रेक के बाद नवाज़ शरीफ और परवेज़ मुशरफ़ के दरमियान सबसे बड़ी खलीज कारगिल की वजह से हायल हुई इस मामले पर दोनों के मौक़ में मशरक और मगरब जैसे तादाद आज तक बरकरार हैं कौन सही है कौन गलत है इस हकीकत से आज तक पर्दा नहीं उठाया जा सका और यही जंग कारगिल आगे चल कर पहले परवेज़ मुशरफ की बरतरफी और फिर हुकूमत के खात्मे नवाज शरीफ साहब की वतनी और तवील मार्शा लॉ के कयाम का बाहस बनी कारगिल का जो ऑपरेशन है खुफ़िया तौर पे सरपटिशसली बगैर किसी से कंसल्ट किए बग़ैर किसी से इजाज़त लिए जनरल मुशरफ़ ने शुरू कर दी और उसकी जो मुहिम जोई है कारगिल की वो सर्दियों में एन सर्दी जब शदीद लाइन ऑफ कंट्रोल पे और उन पहाड़ियों पे पहाड़ों पे पड़ती है तकरीबन दिसंबर से उन्होंने वो जो चौकियाँ इंडियन आर्मी विंटर में वकेट करते थे हमारे लोगों ने वहाँ जा के कब्ज़ा कर लिया फरवरी से ले अप्रैल तक जंग जो है बड़ी शिद्दत से वहाँ पर जारी रही और नवाज शरीफ ने तब जो एतराज उठाना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं उठाया उनको तो कहना चाहिए था आर्मी चीफ को बुला के तब बुलाना चाहिए था कि भाई तुम्हें किसने कहा था कि तुम यहां पे ये यह मुहिम जो ही कर लो ये तो फुल फ्लेज पूरी बड़े पैमाने की जंग जो है वो छिड़ सकती है इन्होंने नहीं किया अप्रैल में यहां जो ओजरी कैंप है जो इस्लामाबाद के और पिंडी के दरमियान है फैजाबाद के पास है वहाँ पे एक आ, ब्रीफिंग इनके लिए अरेंज की गई जिसमें वो उन वो सारी जो है कि हमने ये कर लिया है चोटियाँ कर ली हैं श्रीनगर की पता नहीं सड़क नज़दीक है या दूर है आ, ये उनको ब्रीफिंग दी गई उस ब्रीफिंग में प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऑब्जेक्शंस रेज नहीं किए उनका जो उनको जो एक एहतिस करना चाहिए था जनरल मुशरफ को उस पर बिल्कुल वो नहीं किया और तब जो ब्रीफिंग मीडिया को दिया करते थे आई एस पी आर के हेड थे जनरल राशिद कुरेशी और मुशाहिद हुसैन सैयद इकट्ठी दिया करते थे मतलब है कि तब तक कोई इख्तलाफ नहीं हुआ जब हमारी वहां से थोड़ी पसपाई शुरू हुई और इंडियंस ने बिल्कुल ये तहिया कर लिया कि ये जो हम आगे आए हैं जो इनक पाकिस्तान आर्मी ने किए हमने इनको खाली करके ही दिखाना है तो बहुत एक टाइगर हिल था और बहुत सारी चीजें थीं वहाँ पर जब सख्त लड़ाई हुई और तब देखा गया कि हम उन पोजीशंस को मेंटेन नहीं कर सकेंगे तो फिर आ, आर्मी ने रुजू किया नवाज़ शरीफ को कि ये हमारी पोजीशन ख़राब हो रही है और फिर नवाज शरीफ का डिसीजन था उनका यह पहल और इनिशिएटिव थी कि उन्होंने अमेरिकन से जो है रबता किया प्रेसिडेंट क्लिंटन तब थे क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन से और 4 जुलाई को जो कि अमेरिका की इंडिपेंडेंस डे छुट्टी होती है जिसमें पूरा हर पूरा अमेरिका बंद होता है कोई दफ्तर नहीं खुला होता लेकिन वो डेट्स तब भी ऐसे हो रहे थे नवाज शरीफ साहब ने इंसिस्ट किया और क्लिंटन ने कहा ठीक है मैं रिसीव आपको कर लेता हूं लेकिन उन्होंने ये की शर्त रखी थी कि मैंने कोई आय बाएँ शाएं बातें वहाँ नहीं सुननी अगर वहां से जहां आप गए हैं वहां पे आप विड्रॉ हो सकते करने को तैयार हैं तो तब आए यहां पे तो मैं जो हो सका आग, आपकी मीडिएशन या सुलह जो ही वो करता हूं कारगिल के अलावा तो इख्लाफा मेरा ख़्याल और कुछ नहीं थे इसी पे आके जनरल शरफ़ को हटाना चाहते थे नवाज़ शरीफ लेकिन जनरल मुशर्रफ़ ने उनको वाज़ कर दिया था कि मैं इस तरह नहीं हटूँगा और ये नवाज शरीफ साहब को समझ जाना चाहिए था कि यह मुनासिब नहीं है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को इस तरह हटाया जाए उनको चाहिए था कि कुछ उससे अंडरस्टैंडिंग पैदा करते और फिर उनको अपनी साइड पे रख के उन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन करना चाहिए था जिन्होंने कारगिल का ऑपरेशन एक्चुअली करवाया तो उसकी बजाय वो जब मुशरफ़ के साथ ही उनका मसला ख़राब हो गया एक कश्मकश चल निकली तो उसका नतीजा फिर बहुत ही ख़राब निकला एक फिर मसला जो दरपेश हुआ कि तब कोटा के कोर कमांडर थे जनरल तारिक परवेज और वो थे फर्स्ट कज़न एक आ, 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 बड़े चोटी के र, रहनुमा थे नून लीग के नादर परवेज वो भी आ, 65 हीरो के वार ही, हीरो थे 71 में भी मेरे ख्याल सितारा जरूरत उन्होंने लिया था पैंसठ में भी लिया था उनके वो कज़न थे उनकी वजह से जनरल परवेज मुशरफ नाखुश थे जनरल तारिक परवेज़ से कि ये मुँह फट है मुँह पता नहीं क्या वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें करता है तो परवेज़ मुशरफ़ ने इनसे कहा था प्राइम मिनिस्टर से कि इसको आप फौज से निकाल दें प्राइम मिनिस्टर वो बात परवेज मुशरफ़ की मान गए थे और तारिक परवेज़ को अपनी जो है वहां से फौज छोड़नी पड़ी आ, ना सिर्फ ये ब, दूसरी बात यह कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का अहदा खाली था तो नवाज शरीफ साहब ने परवेज मुशरफ को उस पे तरक्की दी मतलब वो भी स्लॉट जो है परवेज मुशरफ साहब के पास चली गई तब नवाज शरीफ साहब ने समझा कि सब चीज जो है हो गई है तय लेकिन एक छोटी सी खबर एक अखबार तब थी आजकल भी गालिबा पेशावर से निकलती है फ्रंटियर पोस्ट उसके फ्रंट पेज पे एक छोटी सी खबर शाया हुई और ये तब है जब तारिक परवेज को निकाल दिया गया था फौज छोड़ गए थे वो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ भी जनरल परवेज मुशर्रफ बन चुके थे तो वहां पे ये खबर आई कि जनरल तारिक परवेज को इसलिए रिमूव किया गया है क्योंकि उसने एक मीटिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ की थी उस पे उस खबर पे नवाज शरीफ सीख गए कि ये भी किया है वो भी किया है लेकिन ये लोग राजी नहीं होते और फिर उन्होंने ये समझा कि यह खबर जो है ये इंस्पायर्ड खबर है इसके पीछे किसी का हाथ है तो फिर उन्होंने फैसला किया कि ऐसा मामला नहीं चल सकता और कुछ करना ही पड़ेगा दो हजार तेरह में जब नवाज शरीफ साहब तीसरी मरतबा वजे अजम बने तो कुछ ही माह बाद उन्हें एक बार फिर नए आर्मी चीफ का तकर करना था अब उनके पास तीन सीनियर जनरलों की फहरिस मौजूद थी लेफ्टिनेंट जनरल हारून असलम लेफ्टिनेंट जनरल राशिद महमूद और लेफ्टिनेंट जनरल राहिल शरीफ वजे अजम ने सीनीरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद जनरल राहिल शरीफ को आर्मी चीफ बनाने का फैसला किया जनरल राहल शरीफ ने दहशत गर्दों को अपना पहला हदफ़ बनाया ऑपरेशन जरब अज़ पूरी कुत से शुरू हुआ और दहशत गर्दों की कमर तोड़ कर रख दी जहां तक तो सब ठीक था लेकिन ताल्लुक की खराबी की पहली खबरें तब आना शुरू हुई जब इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद में धरना दिया और विफाकी ने इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि इस धरने के पीछे फौज का हाथ है राहल शरीफ को भी अपॉइंट नवाज शरीफ ने किया था वो सीने मोस्ट नहीं थे लेकिन इन्होंने जो जो भी सोच इनके जहन में आई इन्होंने राहल शरीफ को अपॉइंट किया लेकिन जल्द ही ये जो धरने वाला किस्सा है ये शुरू हो गया देखिए जब आर्मी चीफ आता है तो एकदम सारे की सारी जो की अपॉइंटमेंट्स होती हैं उसने कई विरसे में उसको मिली होती हैं कहते हैं कि कुछ जर्नल जो थे चार पांच, वो इस हुकूमत के खिलाफ थे और वो चाहते थे कि कुछ यहाँ पे तब्दीली हो इन और उनकी चार्जशीट दिल में जो भी हो और धरने जो हैं आ, कहा जाता है आज तक कहा जाता है कि तब जो आई एस आई के चीफ थे आ, वो उसके पीछे थे कोई और जो हैं इनको उकसाने वाले थे वो तो मीटिंग इसलिए हुई कि कुछ ऑडियो कैसेट्स प्राइम मिनिस्टर साहब को आ, मिली जो शायद आईबी ने टेप की थी उसमें ओपनली यानी कि कॉन्सपरस की बातें थी उसमें कि क्या करना है कैसे करना है प्राइम मिनिस्टर हाउस भाई कैसे मैं, मैंने खुद तो नहीं सुनी लेकिन जो हमें पता लगा इसी तरह की बातें थी कई लोगों की आवाज़ें थी लेकिन उसमें जो जहरस्लाम अब्बासी साहब थे उनकी आवाज़ थी तो वो उनसे पूछा गया कि भैया आप ही की आवाज़ है तो उनका जी बिल्कुल मेरी आवाज़ है हुकूमत ने ये मैं समझता हूँ ज्यादती की गलत काम किया जो दुनिया को ये मैसेज दिया कि फौज धरने के पीछे फौज नहीं थी धरने के पीछे ये हुकूमत की चालाकी थी कि जब वो ये धरने वाले आए उधर तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि खुफिया हाथ पीछे है खुफिया हाथ कहने से उनको तमाम सियासी पार्टियों की हमायत मिल गई क्योंकि सियासी पार्टियाँ जो हैं वो इस चीज़ से ख़ायब थी कि फ़ौज ना कहीं आ जाए निकाल के जबकि फौज का कोई इरादा नहीं था होना ये चाहिए था कि पार्लियामेंट हुकूमत से पूछती कि आप कहते हैं जी खुफिया हाथ है पीछे क्या जो चौदह लोग आपने कादरी के मारे वो खुफिया हाथ ने मारे हैं या कादरी अगर अपनी एफ़ आई आर दर्ज करवाना चाहता है उन चौदह लोगों के मरने की तो वो उनको क्या खुफिया हाथ रोक रहे हैं आप एफ आई आर क्यों नहीं दर्ज करवा रहे हैं। या इमरान खान अगर कहता है कि चार सीटें आप खोलें तो क्यों नहीं खोलते खुफिया हाथ तो एक बहाना बन गया ना असल चीज़ तो ये है कि हुकूमत ने ख़ुद वो काम नहीं किए जो बाद में उनको करने पड़े तो अपनी नालयकी और उसको खुफिया हाथ के पीछे छुपा देना वो दी जनरल रायुलशरीम का तल्लक है ज़ाती तल्लत में उनकी कोई खराबी नहीं थी उनका तो तकरर इसलिए हुआ कि उनके बारे में ये समझा जाता था कि वो बहुत पर्सनैलिटी क्लैश को अवॉइड करने वाले आदमी हैं अवॉइड वो करते रहे नवाज़ शरीफ को भी इसका एहसास था उनके साथ तलखी नहीं हुई और कम्युनिकेशन भी होती रही बहुत मुश्किल मरहाल में भी होती रही उन्होंने उनकी मदद भी की और उनका कोई ज़ाती एजेंडा ऐसा नहीं था यानी वो सियासत में नहीं आना चाहते थे इकतदार में नहीं आना चाहते थे तो वो तो राहल शरीफ़ की कामयाबी है कि तलखी ज़्यादा नहीं हुई वरना जल के साथ तो खैर उन्होंने काम ही नहीं किया वो इकतदार में ही तबाह है इलेक्शन अगर हो चुके थे जनरल कैनी उनके पास गया जो बात उन्हें समझाई जनरल कैनी ने जो भी उन्होंने तैयार कर लिया इसके ख़िलाफ़ करेंगे मसल मतलब उन्होंने समझाया कि मौलवियों के ना तालिबान के साथ मुजाकरात में अनबोर्ड लाएं उन्होंने भी तैयार कर लिया नवाज शरीफ ने कि उन्हीं को लाऊंगा ये एक खास अंदाज फिक्र की तर्जुमानी करता है आज के प्रोग्राम में हम वजीम नवाज शरीफ के आर्मी चीफ के साथ तल्ल का जायजा ले रहे हैं मजीद कहानी हम आपको सुनाएंगे एक मुख्तर ब्रेक के बाद आगे चलकर आई की जानब से की जाने वाली ट्वीट और प्रेस रिलीज़ का फौज के दरमियान अख्तलाफ मौजूद हैं 11 नवंबर दो हजार पंद्रह को दहशत गर्दी के खिलाफ बेहतर नतज के लिए गुड गवर्नेंस जरूरी है अगले रोज कौमी असम्बली इजलास के दौरान इस प्रेस पर खूब गर्मा गर्मी हुई महमूद अचकजई ने कहा कि यह प्रेस रिलीज आयन के रूप के खिलाफ है आज का आईएसपीआर का जो प्रेस रिलीज है स्पीकर इट इज अगेंस्ट द द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन महमूद ने तो यह भी कह दिया कि अगर दो शरीफों के दरमियान गड़बड़ हुई तो मैं सिविलियन शरीफ के साथ मैं अब भी कहता हूं दो शरीफ तब वन पेज पे होंगे जब आईन बाल होगा और अगर खुदा न खास्ता मैं अपनी जनाब स्पीकर मैं अपनी जान छुड़ाना चाहता हूं अल्लाह के सामने आवाम के सामने अगर खुदा न खास्ता इन दो शरीफों में कुछ गड़बड़ हुई आई एम विद जब धरने जारी थे तो आई की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई जिसमें ये तो जाहिर की गई कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जो लोग हैं उनके साथ तशद या ज़्यादा जो है ऐसे रवैया अख्तियार नहीं किया जाएगा तो नून लीग को गिला अब तक है के हमारे हाथ पैर तो काट काट दिए गए और धरने वाले जो थे वो डी चौक में आके यहां पे बैठे हुए थे अब वो किस तरीके से आए थे उनको रोका नहीं गया था तो ये बहरहाल दर्द सर तो हुकूमत के लिए बना लेकिन ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि 30 और 31 अगस्त को जब वो बाद में जब लड़ाई हुई इस्लामाबाद पुलिस में और जो हजूम था और उसमें आखिरकार इस्लामाबाद पुलिस को पसपाई इख्तियार करनी पड़ी और उसके बाद जो पी टी वी हेडकोटर्स पर जो हमला हुआ था और वो भी काबज़ हो गए थे उस वक्त अमला प्रैक्टिकल पर्पज़ेज़ के लिए हकूमत जो है वो भाग चुकी थी इस्लामाबाद से तब अगर फौज चाहती तो पे कब्जा करना कोई मुश्किल बात नहीं थी लेकिन जनरल राहिल शरीफ ने नहीं किया तभी तो जब वजी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से सवाल किया गया तो उनका जवाब ये था जो आर्मी चीफ है बर्तानिया के उन्होंने पाकिस्तान आर्मी की और हमारे आर्मी चीफ की बहुत ज्यादा तारीफ की है और तारीफ किया है कि जिस तरह पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान में जंग की है वो काबिले तारीफ है क्या इस सारी चीज़ को बतौर ही नहीं बतौर वजी पंजाब भी नवाज शरीफ के तलुकात जनरल जाऊल हक के साथ खुशगवार ना रहे हालांकि जनरल जाऊल हक ही नवाज शरीफ साहब को सियासत में लेकर आए थे ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मुझे गिलानी साहब ने खुद सुनाई थी उन्होंने सुनाया उन्होंने कहा जनाब एक बुलाया पीर पगाड़ा साहब ने और उस वक्त वज़र अजम थे जुनेजो साहब ये उन्नीस सौ छियासी की बात है मेरा ख्याल ये बता रहे थे तो उन्होंने ये कहा जनाब कि आप जाएँ मखदूम साहब और अब लाहौर में जा के आप ये नवाज शरीफ साहब के खिलाफ उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं ये, ये पंजाब के वज़ी अल थे तो उन्होंने कहा कि आप उनके ख़िलाफ़ कोई तहरीकी आदम एतम लेके हैं कोई बंदे इकट्ठे कर करें एम पी एस वगैरह इसको हटाना है तो ये बड़े उस पर थोड़े से हैरान हुए हैं इन्होंने कहा जनाब कि वो तो उन, उनका जनरल जिया साहब के बड़े करीबी हैं जनरल जिया साहब ने उनको वजीर अला बनाया हुआ है अभी साल नहीं हुआ अभी पचासी से छियासी लग गए तो आप मुझे कह रहे हैं पीर पगाड़ा साहब और जुनेजो साहब कि आप उनकी छुट्टी करवाएँ नहीं, नहीं नहीं ही इज़ ऑन बोर्ड आप जाएँ और ये काम शुरू करें ये बड़े बड़े खुशी खुशी चले गए लाहौर सर्कल हाउस में इन्होंने डेरे डाल दिए और मशहूर हो गया जनाब के गलान साहब आए हुए हैं और यहाँ पे इन नवाज़ शरीफ साहब के खिलाफ बगावत का कलम उठाया हुआ है तो उनसे जिया साहब जो हैं या हुकूमत जो विफाक़ी हुकूमत इनको हटाना चाहती है तो गिलानी साहब ने भी जाके वहाँ पर गैलरी जो होती थी वहाँ बैठना शुरू कर दिया तो मेमरान भी मिलना शुरू हो गए और सारे के सारे बहरहाल इनको बड़ी अचीवमेंट्स होना शुरू हो गए इनसे मंजूर भट्टू भी मिले इनसे आकर चौधरी परवेज अली साहब भी मिले तो परवेज अली साहब साहब जर बड़े थे उनको ये प्रमोट किया गया कि आपको वजीआ बनाते हैं सर वो जो सेंट्रल पंजाब के एम पीज़ थे वो येल ए नसरू रिश्क साहब शामिल थे अच्छा सरैक इलाकों में इनकी वैसे जान पहचान जा, गिलानी ख़ानदान की थी जान पहचान थी सो so इन्होंने एक दिन को विद इन को मंथ्स इन्होंने इन इनुन मैसेज भेजा पीर पगाड़ा को कि सर जी के मिशन अ मैंने बंदे इकट्ठे कर, कर लिए जिस दिन के हैं कि नवाज शरीफ से के खिलाफ हम तरीके आदम ले लें और रात को उन्होंने खबरनामा जो देखा नौ बजे वाला उस तो पी टी वी का खबरनामा होता तो उस वक्त मुलाकात हो रही थी उन्होंने ये फुटेज दिखाया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं पिंडी में जनरल जिया से मुलाकात कर रहे हैं और जनरल जिया साहब जो हैं उनका जैसे लिटरी कर माथा चूम रहे हैं तो ये चीज़ उनके लिए गिलानी साहब के लिए बड़ी वो थी मतलब ये क्या हो रहा है कि मुझे तो ये कहा गया था कि इनको हटाना है और उसके बाद उन जनरल जिया साहब का मशहूर वो जो जुमला हुआ था कि मेरी उम्र भी नवाज शरीफ को लाग जा जो जो लाग जा जो दुआ उनकी फ़ौर कबूल हो गई थी तो उस पर भी कहा उन्होंने सो इट वॉज ऑल ओवर वो सारे एम पी ए भाग गए उन्होंने कहा जनाब ये तो गिलानी हमें मरवाएगा ये इसको तो अगर होता ये बात सच्ची होती तो नवाज शरीफ से अब जनरल जया ना मिल रहा होता ना जनरल जया ये कह रहा होता कि जनाब के मेरी उम्र लाग जा और पीर पगाड़ा ने बयान जारी किया उन्होंने कहा जनाब के नवाज़ शरीफ की ये बोरी में सुराख थे हमने वो सी दिए हैं तो गिलानी साहब दौड़े दौड़े वापस आए मतलब ही वॉज़ फीलिंग हार्ट एंड बिटरेड तो उन्होंने पीर पगाड़ा साहब से पूछा उन्होंने कहा जनाब पीर साहब ये मेरे साथ क्या किया आपने अच्छा पीर पगाड़ा के गिलानी साहब की रिश्तेदारी भी है ये बहुत कम लोगों को पता है तो उन्होंने कहा जनाब बर हमने आपको इस्तेमाल किया है उन्होंने कहा आपने मुझे इस्तेमाल किया कैसे उसने कहा जनाब के ये नवाज शरीफ साहब कुछ अरसे समझना शुरू हो गए थे निजी महफलू में कहते थे कि मैं वजीर आला पंजाब हूँ अपनी वजह से हूँ कुछ जनरल जहाँ की वजह से नहीं हूँ मैंने एम पी वगैरह को अपने पास रखा हुआ है या उनको जो भी हुआ है तो जनरल जिया साहब इस बात पर डिस्टर्ब थे कि ये मैं ये समझते हैं कि ये मेरी वजह से नहीं है तो उन्होंने मुझसे मशवरा किया तो मैंने कहा जनाब कि उनको हम ये एहसास दिलवा देते हैं कि आप आप अगर आला आते हैं जनरल जिया की वजह से है जो ही आपने बंदे इकट्ठे कर ले नवाज़ शरीफ को पता चल गया कि सुबह मेरी यहाँ पर खैर नहीं है वो दौड़ा दौड़ा आया उसने जनरल जिया के हाथ चूमे हैं उनसे माफ़ी तलाफी की है कि जनाब मैं आपकी वजह से हूँ मेहरबानी फरमाएँ इनका जो प्रॉब्लम है वो और है इनका प्रॉब्लम ये है कि आर्मी चीफ से इनके तल्क क्यों खराब होते हैं एक तो ये हिले हुए हैं जिस तरीके से इन्होंने हुकूमत तीस पैंतीस साल से चलाई है कि हमारे वफादार आदमी हों जैसे पंजाब ब्यूरोसी को ये चलाते रहे हैं और ये जो जो इनका पैमाना देखने का है कि हमारे साथ ये हमारे साथ कमिटमेंट इनकी ज़ाती कमिटमेंट फलाने अफसर की है या नहीं है अब एक बार फिर वजीर अजम नवाज़ शरीफ़ ने नए आर्मी चीफ़ का ऐलान किया है देखना यह है कि आने वाले दिनों में सिविल मिलिट्री ताल्लुक के बाद में किस तरह की तारीख रकम होती है यह आज का प्रोग्राम था मुझे इस प्रोग्राम से ज़्यादा